भाई ये कार वाला बहुत पागल जैसा चला रहा था भाई। एक्सीडेंट हो गया, देखो लड़की गिर गई स्कूटी से। फिर से नदी पार करके घर की ओर जाता हुआ मैं। गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बारिश हो रहा है भाई मस्त, और अभी मैं निकला हूँ ऑफिस के लिए, पहले रिफ्यूल करवाना है गाड़ी। अरे यार चौक देखो, ये पूरा जाम स्कॉर्पियो के चलते लग रहा है। यहाँ पे गाड़ी खड़ा करके पता नहीं क्या कर रहा है ये बंदा, पता नहीं क्या क्यों। स्टूपिड पीपल। एनीवेज देखो देखो अभी बैठ जा रहा है गाड़ी में। क्या यार, मेरे को लगा आदमी है गाड़ी में तो भी गाली देते थोड़ा सा। एनीवेज रिफ्यूल करवाया जा भाई, फ्यूल कम है गाड़ी में। चलो पहले तो यहाँ से बढ़िया। ऑटो वाला लोग तो और इधर लगा लगा के पूरा लेन खा जाता है और जाम लगता है जिसके चलते। अबे यार तुमको भी यहीं रुकना है। चलो भाई, इतना हालत खराब है ना आजकल 5G नेटवर्क का, मतलब जियो वगैरह का नेट चलता ही नहीं है भाई। जरूरत के टाइम पे तो और नहीं चलता है। पता है मैं पेमेंट कर रहा हूँ, फ्यूल डल गया, पेमेंट कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। दिमाग खराब, बार बार रिट्राई करो, बार बार फ्लाइट मोड पर डाल के हटाओ, तब जाके बहुत देर के बाद हुआ है। गाड़ी साइड में लगा के बहुत देर ट्राई करने के बाद तब जाके हुआ है। सब गलत सिस्टम है भाई, जियो एयरटेल जो भी तुम लोग 5G के साथ कर रहे हो भाई, ठीक नहीं कर रहे हो, बहुत ख़राब नेटवर्क हो गया। कौन कौन फेस कर रहा है प्रॉब्लम 5G वाला, बताओ मेरे को भी, या सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है? पता नहीं, कभी चलेगा तो बहुत सही चलेगा और कभी चलेगा तो इतना ख़राब चलेगा कि मतलब चलेगा ही नहीं। एनीवेज मौसम देख लो भाई कैसा है, अभी पूरा क्लाउडी है, हल्का हल्का बारिश अभी हो रहा है। वैसे तो सुबह से हो रहा था बारिश, अभी थोड़ा कम हुआ है, देख रहे हो। और ये देखो खुशी, क्या मस्त फ्यूल भर गया। चला जाए अब ऑफिस। अभी बज रहा है सुबह का 10, और पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि 6 जुलाई को JSC स्टेडियम में ब्लड डोनेशन कैंप है अपना NGO का, तो मैं वहाँ रहूँगा सुबह से शाम तक, ब्लड भी डोनेट करूँगा। तो तुम लोग जितने भी लोग 18+ हो प्लीज़ वहाँ पे आओ और ब्लड डोनेट करो, अच्छा लगेगा। थोड़ा आगे चलो अभी, फिर दिखाते हैं तुम लोगों की अभी क्या हालत है भाई, जहाँ तहाँ पानी जम गया है शहर में, और दिखाते हैं। चलो देखो ये तो कुछ नहीं है, अभी चलो आगे दिखाते हैं भाई। ये वाला जो गली है ना, ये बता रहा हूँ मैं कौन सा गली है, ये वो गली है जो कटहल मोड़ से जाता है सीधे अंदर अंदर धोनी भाई साहब के पुराने घर के पास, जिसको जिसको पता होगा सेंट फ्रांसिस स्कूल वाला गली है ये। तो भाई इस गली में देखना, अभी आगे चल के दिखाते हैं कितना पानी जमता है। पानी जमता है, प्लस दिक्कत क्या है ना, बाइक से तो भाई बहुत रिस्क है, क्योंकि अगर तुम बाइक से हो तो कोई बेवकूफ़ कार वाला हो सकता है कि तुम पे छीटा पड़ा दे। भाई मैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबली चलता हूँ, कोई बाइक वाला आए और पानी वानी हो तो भाई धीरे कर दिया करो, क्योंकि हो सकता है कभी तुम बाइक पे हो और तुम पे भी कोई छीटा पड़ा के चले जाए, तो इसलिए वो सब काम मत किया करो। अभी दिखाते हैं चलो। रातू रोड में जो फ्लाईओवर बन रहा है ना भाई, रातू रोड में, उसके चलते ट्रैफिक इधर बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गया, जिसके चलते इधर भी थोड़ा सा स्लो चलना पड़ता है, पहले इतना स्लो नहीं चलना पड़ता था इधर। देखो ये जब जो पानी जमा हुआ है ना, ये सब बहुत छीटा पड़ता है भाई बाइक वालों के ऊपर, तो धीरे धीरे जाना चाहिए, वरना भाई मेरे जैसा बाइक वाला मिल गया कभी तुमको तो फिर तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। भाई फुल तालाब हुआ पड़ा है इधर, देख रहे हो धीरे धीरे चलना पड़ता है बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है, स्वर्ग नरक कहीं अन्यत्र नहीं, इनका निवास हमारे विचारों में ही है। ओ माय गॉड, रिक्शा वाले भैया स्पीटिंग फैक्ट्स। मौसम इतना आलसी वाला हो रहा है ना भाई, इतना आलसी वाला हो रहा है कि क्या बताएं बहुत। लेकिन ठीक है, गर्मी था तो लोग कंप्लेन कर रहे थे कि बारिश क्यों नहीं हो रहा है, मौसम ठीक क्यों नहीं हो रहा, बारिश हो रहा है तो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि बारिश क्यों हो रहा है, लोग में से मैं भी हूँ। एनीवेज मेरे साथ दिक्कत क्या है ना, मेरे को कार से चलने का मन नहीं करता है ज़्यादा, टाउन में बहुत इरिटेटिंग लगता है, धीरे धीरे चलते रहो जाम में फंस के। टाउन में चलने के लिए मेरे को बाइक ही पसंद है, और बाइक अभी निकाल नहीं सकते हैं बारिश में, दिक्कत ये है। नाइस, मस्त बारिश हो रहा है भाई। भाई ये कार वाला बहुत पागल जैसा चला रहा है, तब से अभी बाइक वालों की गिरा था मेरे पीछे था, तब से हॉर्न मारे जा रहा था पागल जैसा, पता नहीं किस बात का हड़बड़ी है इसको, बहुत पागल जैसा चल रहा है भाई तब से ये।
मैंने अभी कैमरा ही इसीलिए ऑन किया, बट मैंने टॉपिक बदल दिया। मैंने सोचा क्या कितना नेगेटिव बात बोलेंगे व्लॉग में, लेकिन देखो इसको चलना ही वैसे है। बहुत बहुत गलत चला रहा है भाई। अभी वो बाइक वाला गिर ही गया था लगभग, इसलिए मैंने बोला तुम भाई आगे ही चले जाओ, मेरे पीछे मत रहो। सुबह सुबह दिक्कत हो जाएगा तुमको। अमन और शुभम जो भी हो, आदमी को देख के लग रहा है कि तुम्हारे पापा ही चला रहे होंगे कोई, तो भाई क्या है ये, सिखाओ पापा को। भाई कतई बेवकूफ ड्राइवर है, पता नहीं क्या कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ान वाला रोड है, तो भाई रुके हो तो ब्रेक मारो ना। तुम्हारी गाड़ी पीछे देखो, देखो पीछे आने लग रहा है, बेवकूफ भाई। इससे दूर ही रहना होगा मेरे को, गलत गाड़ी के पीछे रुक गए। अरे गैप लेके चलना होगा भाई, हर बार रिवर्स आ रहा है ठोक ठाक देगा यार। देखो अभी स्कूटी में ठोक देता, स्कूटी वाले को भी हॉर्न मारना पड़ा भाई। गलत सीन, बहुत गलत सीन। देखो देखो देखो, थोड़ा सा नूब है ड्राइवर, ऑल दो एजेड आदमी है, चलाने के टाइम तो भाई बहुत। देखो देखो कभी इधर घुस रहा है, कभी उधर घुस रहा है, बिना हॉर्न बिना इंडिकेटर बिना कुछ। क्या कर रहे हो भाई अंकल, तुम जाओ आगे ही जाओ, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है, तुम आगे चले जाओ, दूर रहो मेरे से बस। फाइनली उस आइटम से बहुत निकल गए आगे भाई, वो रह गया दूसरे लेन में, मैं दूसरे लेन से आगे निकल गया भाई। नॉइस, उफ़क मेरे पीछे है क्या वो? नहीं 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 नहीं, दूसरा गाड़ी है पीछे, मेरे को लगा पीछे तो नहीं आएगा, पीछे तो ठोक ठाक देता भाई। चलो भाई एक्सीडेंट हो गया, देखो लड़की गिर गई स्कूटी से। बारिश का टाइम है भाई, देखो पुलिस वाला आके उठा रहा है। भाई संभल के चलाया करो यार, लेडीज है कोई, बारिश का टाइम है यार, बहुत संभल के चलाया करो, स्पेशली टू व्हीलर वालों। भाई तुम लोग बहुत रिस्क में रहते हो, तो आराम से चला करो। फाइनली ऑफिस पहुंच गए भाई, और पार्किंग भी मिल गया मेरे को बिल्डिंग के अपने पास में ही। ज़्यादा दूर मिल जाता और फिर दिक्कत होता, क्योंकि लैपटॉप बैग है साथ में, बारिश में भीगना नहीं चाहिए। चलो चलते हैं बंदर, निकल के मिलेंगे अब। भाई काम समाप्त अपना ऑफिस से, और भागा जाए अब जल्दी से घर, क्योंकि फिर जिम जाना है। ये देखो भाई फिर से बारिश, मतलब रुक रहा है हो रहा है, रुक रहा है हो रहा है, दिन भर का यही कहानी है, यही हो रहा है रांची में। एनीवेज घर पहुँचते हैं जल्दी से, उसके बाद जिम जाया जाए। और पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया है भाई, उधर जो काम चल रहा है ना, जिसके चलते इधर एक तो जाम उधर होता ही था, प्लस और ज़्यादा जाम होने लगा। अब फिर से नदी पार करके घर की ओर जाता हुआ मैं। तो इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।